माई ऑल फ्रेंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ट्रांसमिशन ऑफ नो इम्पर्सेस उसके हम यहाँ पर क्वेश्चन वाइज डिटेल में डिस्कशन करेंगे ओके हम यहाँ पर पूरा पूरा डिस्कशन नहीं करने वाले क्वेश्चन वाइज जो भी डाउट्स हमेशा निकलते हैं उसके हम यहाँ पर क्या करेंगे डिस्कशन तो लेट एस स्टार्ट द बेजिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़ अ न्यूरोन वी नो अबाउट इट दैट ओके जो भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का तो वो है न्यूरॉन ओके न्यूरॉन के बेजिक स्ट्रक्चर के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि उसके अंदर क्या होता है तो डेंड्राइड्स होता है सेल बॉडी होती है और क्या होता है एक्जॉन होते हैं ओके द थ्री प्रिंसिपल रीजन ऑफ द न्यूरॉन्स आर कोल्ड द सेल बॉडी डेंड्राइड्स एंड एक्ज़ोन्स। डेंड्राइड्स जो है वो ब्रांचेड होते हैं और एक्ज़ोन्स जो है वो नॉन ब्रांचेड और एलोंगेटेड होता है ओके okay? और सेल बॉडी के ऊपर जो ब्रांचेड स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है डेंड्राइड्स तो डेंड्राइड्स से होकर क्या आता है तो डेंड्राइड से जो भी न इम्पर्सिस ट्रांसमिशन आएगा यानी कि रिसीवर्स जो है वो क्या है डेंड्राइट्स है और ट्रांसमीटर्स कौन है एक्सॉन्स है ओके व्हाट इज द टास्क ऑफ द न्यूरॉन तो न्यूरॉन का टास्क मेनली क्या होता है तो रिसीव करना यानी कि नर्व में से जो भी इंपर्सेस आए हैं उसे रिसीव करना उसका काम है डेंड्राइट्स का कंडक्ट करना यानी कि जो भी सिग्नल uh, स्टिम्यूल आया है उसे कंडक्ट करेगा और उसे देन आफ्टर वन उसे जो भी संदेशा देना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू वो क्या करेगा उसे ट्रांसमिट करेगा दिस इज़ द बेसिक टास्क ऑफ द न्यूरॉन डिफाइन द टर्म ऑफ द कंटिन्यूस कंडक्शन ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल दट आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्शंस आर

ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एक क्या है न्यूरॉन प्लाज्मा सॉरी न्यूरॉन्स के ही एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे कहा जाता है न्यूरोलेमा न्यूरोलेमा ओके और वहाँ पर क्या होता है तो वी नो अबाउट दैट नव इंपर्सेस ट्रांसमिट करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चाहिएगा ओके और वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है तो आयन के थ्रू तो ऑलवेज़ ये याद रखना है कि सेल के बाहर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और साइटोप्लाजम के अंदर नेगेटिव आयंस यानी कि नेगेटिव प्रोटीन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उस टाइम के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे कहा जाता है पोलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि वो पोलराइज है और उसके बाद जब भी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा तब वो क्या हो जाती है डीपोलराइज हो जाती है ओके okay? डीपोलराइज होने के बाद वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है और हमारा स्टिमुलस जो है वो आगे बढ़ता है तो जैसे ही वो डीपोलराइज होगी ओके देन आफ्टर वन वो एक्शन पोटेंशियल कहाँ पर भेजेगी दूसरे नव इम्पल्स के पास भेजेगी और वो खुद क्या हो जाएगी रिपोलराइज़ हो जाएगी ओके okay? तो डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन स्टेप वाइज अगर चलता है तो उसे कहा जाता है कंटिन्यूस कंडक्शन और अगर कंटिन्यूज नहीं चल रहा तो दिस इज कोल्ड दैट सॉल्टेड रिकंडक्शन ओके गिव द नेम ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन फाउंड इन दैट माइलिनेटेड एग्जॉन ओके तो हमें पता है कि माइलिनेटेड एग्जॉन्स के अंदर क्या होता है तो माइलिन शीत का कवरिंग होएगा तो माइलिन शीत तो क्या है इंसुलेटर है तो वहाँ से तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पास आउट ही नहीं होगा तो वो कैसे पास आउट होता है तो जस्ट लाइक यहाँ पर आप देख लीजिए कि हम यहाँ पर बना रहे एक्जोन की एक मेम्ब्रेन ओके यहाँ पर हम बना रहे हैं ये येलो कलर से माइलिनेशन यानी कि माइलिन शीट कवर हुई है बाद में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना ये क्या है नर्व रैनवियर नोड है ओके तो ये रेनवियर नोड से निकलकर जो सोडियम पोटेशियम का ट्रांसमिशन है ये रेनवियर नोड में ही हो जाएगा ओके देन आफ्टर वन ये नव इंपल्स ऐसे जंप करते हुए आगे बढ़ेंगे ओके okay? तो ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ नव इंपल्स कंडक्शन को कहा जाता है सोल्टेटरी कंडक्शन ओके वॉट इज कोल्ड द साइनेप्स तो साइनेप्स किसे कहते हैं तो साइनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरोन्स इज कोल्ड दाइनेप्स साइनेप्स कैन आइधर बी दैट इलेक्ट्रिकल एज वेल एज केमिकल ओके ये आपको बात याद रखनी है कि डेंट्राइट से एग्ज़ोन तक जो भी होता है नव इम्पल्स ट्रांसमिशन वो इलेक्ट्रिकल होता है लेकिन जैसे ही एग्ज़ोन टर्मिनल के बाद दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर नव इम्पल्स ट्रांसमिशन जो है वो दो टाइप्स का हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल एंड सेकेंड वन इज दैट केमिकल ओके अगर दो न्यूरॉन्स के बीच में कम जगह है ओके तो वो नव इम्पल्स ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकली कर लेगा लेकिन बहुत ज़्यादा जगह है यानी कि मान लीजिए ये है एग्जॉन टर्मिनल ओके और ये दूसरा न्यूरॉन्स है तो उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है ओके okay, बहुत ही दूर है एक दूसरे से तो यहाँ से यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जंप नहीं ले सकता तो यहाँ क्या होता है केमिकल ट्रांसमिशन केमिकल नो इम्पल्सिस यहाँ पर होता है तो इसे कहा जाता है केमिकल साइनेप्स जो मेनली ह्यूमंस के अंदर यानी कि जो भी वर्टिब्रेट्स है उसमें कॉमन है केमिकल साइन तो हमें तो पता है कि जब केमिकल ट्रांसमिशन होता है तो न्यूरो हेल्प करते हैं दूसरे सेल और दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर जाकर वहाँ पर क्या करते हैं नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन कर लेते हैं लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हुआ तो वो किसके थ्रू होगा तो गैप जंक्शन के थ्रू ओके okay, यानी कि एट इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट डायरेक्टली बिटवीन टू सेल्स थ्रो द स्ट्रक्चर ऑफ द गैप जंक्शन ओके तो गैप जंक्शन के थ्रू ही क्या होता है तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ट्रांसमिशन होता है विच साइनेप्स प्रोवाइड फास्ट न इम्पल्स ट्रांसमिशन ओके हमने दो साइन ऐप्स देखे केमिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल तो उनमें से जो भी उनमें से कौन सा ऐसा है कि जो प्रोवाइड करेगा फास्ट इम्पल्स ट्रांसमिशन ऑलवेज इलेक्ट्रिकल साइन ऐप्स ओके इलेक्ट्रिकल साइन ऐप्स जो होते हैं ना वो क्या होता है इलेक्ट्रिकल यानी कि बहुत ही उसकी फास्ट मूवमेंट होती है और क्विकली उसका क्या होता है रिस्पॉन्स होता है लेकिन केमिकल्स का क्या होगा तो केमिकल्स जो है वो क्या होता है न्यूरो ट्रांसमीटर होता है और न्यूरो ट्रांसमीटर मेनली न्यूरोप्टर से जब बाइंड हो गए तब जाकर क्या होगा उसका पोटेंशियल यानी कि दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर वो भी क्या होगा एक्साइट होगा लेकिन तब तक uh, जो पासिंग प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू दर इलेक्ट्रिकल साइन ब्लैंक इज कॉमन अनकॉमन साइनेप्स इज कॉम्प्लेक्स एनिमल इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है वो अनकॉमन है कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर ओके मेनली ह्यूमन के अंदर तो ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो दिखने को नहीं मिलता है केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नव इम्पल्स ऑलवेज फॉलो यूनी डायरेक्शनल पाथवे यानी कि जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल डायरेक्शन हम बोल रहे हैं कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन ऑलवेज़ फॉलो इलेक्ट्रोकेमिकल पाथवे तो दिस इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल पाथवे ओके एक ही डायरेक्शन में जाएगा केमिकल ट्रांसमिशन वापस अगर पोस्ट न्यूरो ट्रांसमीटर पोस्ट न्यूरॉन में से मुझे प्री न्यूरॉन्स के अंदर लाना है फिर से वही रिस्पॉन्स मुझे वापस भेजना है तो मैं नहीं भेज सकती ओके दिस इज़ कॉल्ड दैट यूनी डायरेक्शनल पाथवे एक बार न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो गया तो वो फिर से वहाँ से उठकर फिर से अपने ओरिजिन प्लेस पर नहीं जा सकता डिफाइन द टर्म ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर को अगर डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे तो न्यूरो ट्रांसमीटर इज़ यूजली स्मॉल मॉलिकुलर वेट पैराक्राइन मॉलिक्यूल विच इज़ अ सच एज अमीनो एसिड्स पैप्टाइड्स अमदाइड्स एंड न्यूरोपैप्टाइड्स वो पैराक्राइन मॉलिक्यूल्स हैं Uh, वो अमीनो एसिड्स या फिर पेप्टाइड्स या फिर न्यूक्लियोपेप्टाइड्स न्यूरोपेप्टाइड्स या फिर अमाइन से बने हुए होते हैं ओके सम न्यूरो द इनहिबिटरी, ओके दर आर एग्जाम्पल्स ऑफ दैट न्यूरो ट्रांसमीटर राइट डाउन दिस नेम्स एसिटाइल कोलाइन विच इज कोल्ड द निकोटिनिक एसिटाइल कोलाइन न्यूरो ट्रांसमीटर है नॉर एपीनेफ्री जो एड्रिनल में से निकलता है ग्लूटामेट और एस्पार्टेट दीज आर द एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर इन्हीबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर द एट गाबा मीन्स डेट गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड सेरेटोनिन क्लाइसिन एंड एसिटाइल कोलाइन, मस्कारिनिक। ओके आगे भी था एसिटा कोलाइन लेकिन उसमें क्या था निकोटिनिक एसीटाइकोलाइन था ओके लेकिन अगर हम इनिबिट्री न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें और उसमें अगर कॉलाइन आता है तो उसका जो टाइप है वो होता है ओके? तो ये याद रखेगा गाबा सेरेटोनोनिन ग्लाइसिन एंड न्यूस्काराइन दर आर इनहिबिटरी न्यूटो ट्रांसमीटर एंड एसिटाइकॉलाइन ऑफ द निकोटिनिक एसिड्स ग्लूटामेट एस्पार्टेट एज वेल एज द सेरेटोन एज वेल एज द डोपामाइंस और नॉर एपी नेफरीन आर द एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर ओके तो आपके मगज में ये ध्यान रखिएगा इन दोनों के बीच में कन्फ्यूज मत होइएगा। वाट इज द फॉर्म ऑफ दैट ई पी एस पी एंड आई पी एस पी ई पी एस पी का फुल फॉर्म है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल और इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल इज द फुल फॉर्म ऑफ द आई पी एस पी ओके ये दोनों फुल फॉर्म याद रखिएगा न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर इज़ अ क्लासिफाइड इन टू न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स को दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है आयोनोट्रॉपिक और मेटाबोट्रॉपिक विच एंजाइम मेक एसिटाइल एसिटाइकोलाइन कौन सा एक एंजाइम है जो एसिटाइकोलाइन बनाता है हमने ऐसा देखा है कि एसिटाइल कोलाइन तोड़ने वाला यानी कि ब्रेक करने वाला एंजाइम कौन सा है लेकिन बनाने वाला एंजाइम नहीं देखा है तो बनाने वाला एंजाइम है कॉलाइन एसिटाइल ये याद रखिएगा कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो क्या करता है कॉलिन और एसिटाइल कोए को जॉइंट करके बना देता है एसिटाइल कोलाइन ओके तो कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफरेज दिज आर द सिंथेसिंग हार्मोन ऑफ द एसिटाइल कोलाइन बट द एसिटाइल एस्टरेज इज द ब्रेकिंग द न्यूरो ट्रांसमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द फैक्टर्स विच इज इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ दट एसिटाइकोलाइन एस्टरीज कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो एसिटाइकोलाइन एस्टरीज की एक्टिविटी को ब्रेक कर रहे हैं तो सम आर द इंसेक्टिसाइड्स लाइक दैट मेलाथायन और पैराथायन ओके okay? यहाँ पर एक मेलाथायन और पैराथायन एज वेल एज द नर्व गैस इज कोल्ड द सारिन ओके न्यूरोटॉक्सिंग एग्जाम्पल्स आर कौन कौन सा एग्जाम्पल्स हैं न्यूरोटॉक्सिनस के अंदर वो याद रखिएगा टेराटो सॉरी टेटरोडोटॉक्सी ओके टेटरोडोटॉक्संस विच इज़ सिक्रेटिड बाय पफर फिश ओके यहाँ पर आपको दिख रहा है पफर फिश जो है वो न्यूरोटॉक्सींस को सिक्रेट आउट करती है और अगर वो हमारे शरीर में आ गया तो वो क्या करेगा सोडियम चैनल्स को ब्रेक करेगा या फिर ब्लॉक करेगा ओके न्यूरो toxins are that something like a dinoflagellate secretes the sexy toxins which prevents the voltage gated sodium channels these are the whole information of that nerve impulse transmission हमने यहाँ पर क्या देखा है कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस -कैसे हम हमें एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं nerve impulse transmission से लेकर तो हमें इसे डील करना है ओके तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू सो मच